बलात्कारी बाबा राम रहीम को यूं तो उम्र कैद की सजा मिली है, मगर उसके बावजूद उसकी मौज ही मौज है। राम रहीम की पैरोल रद्द करने के लिए SGPG ने हाई कोर्ट में जो याचिका डाली थी उसे अब SGPG ने वापस ले लिया है। दरअसल SGPG की याचिका पर HC की ओर से आपत्ति लगाई गई थी, जिसके बाद ये याचिका वापस ले ली गई है। लेकिन SGPC भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। SGPC की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि जल्द ही याचिका में कमियों को दूर कर नई पिटीशन दायर की जाएगी। बता दें कि राम रहीम को पैरोल मिलने के बाद से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC लगातार विरोध कर रही है। SGPC प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने आरोप लगाया कि राम रहीम पैरोल पर बाहर आकर सिखों की आस्था को भड़का रहा है। ऐसे में उन्होंने कोर्ट का रुख किया, मगर कोर्ट ने उल्टा आपत्ति जता दी, जिसके बाद बलात्कारी बाबा फिर बाजी मार गया। राम रहीम पर अब तक सरकार मेहरबान थी, मगर अब मौजूदा हालातों को देखकर लग रहा है कि बलात्कारी बाबा कानून में मौजूद लूप होल्स का भरपूर फायदा उठाना जानता है। शायद इसलिए SGPC ने पैरोल के खिलाफ याचिका दायर की और HC ने इस याचिका पर आपत्ति जाहिर कर डाली। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।